मंगलू और उसकी माँ ठाकुर परिवार के यहाँ नौकर का काम करते थे। मंगलू के पिता के मरने के बाद से वो लोग ठाकुरों के हवेली के पीछे एक कुटिया में ही रहा करते थे। अक्सर छोटे ठाकुर मंगलू को नीचा दिखाने के लिए अपने दोस्तों के सामने उससे बेफजूल काम दिया करते थे। अरे मंगलू, यहाँ। जी मालिक, आया। वहाँ मेरी साइकिल देख कितनी गंदी है, उसे साफ कर दे। और जब तक तुझे साइकिल पे अपना चेहरा ना दिखे तब तक सफाई करते रहना, समझा गया? मंगलू ने साइकिल की ओर देखा तो वो तो पूरी जंग लगी हुई थी, पर मंगलू ने कुछ नहीं बोला। मंगलू साइकिल लेकर हवेली के पीछे चला गया और वहां वो साइकिल को घिस घिस कर धोने लगा। कई घंटे बीत गए। बाप रे बाप, मेरे हाथ ही दुख गए। लगता नहीं ये साइकिल कभी चमकेगी, पर चमकानी तो पड़ेगी, वरना छोटे ठाकुर बड़े ठाकुर से शिकायत कर देंगे और बड़े ठाकुर माँ को डांटेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये साइकिल चमका कर ही रहूंगा। और मंगलू फिर से साइकिल घिसने लगा। सुबह से दोपहर हो गई और उसकी माँ उससे ढूंढते हुए आई। तू यहाँ है? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चल, आज भूख नहीं लगी है क्या तुझे? माँ, भूख तो बहुत लगी है, पर अगर मैं छोटे ठाकुर की साइकिल साफ किए बगैर गया तो? ठीक है, मैं तेरा खाना यहीं ले आती हूँ। मंगलू की माँ उसके लिए खाने की प्लेट ले आई। चल अब आकर मैं तुझे खिलाती हूँ। मंगलू की माँ ने उससे पहला निवाला खिलाया और भीतर से ठाकुराइन चिल्लाने लगी, मंगला मंगला। ठाकुराइन की आवाज सुनते ही माँ ने प्लेट नीचे रख दी। बेटा अब तू ही खा ले, वरना ठाकुराइन सारा घर सिर पे उठा लेगी। ठीक है माँ। पर खा ले बेटा। माँ वहां से चली गई और मंगलू ने पूरी साइकिल पे साबुन मल दिया। एक काम करता हूँ, कुछ देर साबुन रहने देता हूँ, तब तक खाना खा लेता हूँ। पर जैसे ही मंगलू ने खाने के लिए रोटी तोड़ी तो उसके सामने एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला आ गया। वो रोटी के टुकड़े को घूरे जा रहा था। लगता है तुझे भी भूख लगी है। कोई नहीं दोस्त, हम दोनों मिलकर ये खाना खा लेंगे। मंगलू ने कुत्ते को भी रोटी खिलाई और खुद भी खाने लगा। जब रोटी का आखिरी टुकड़ा बचा था, दोस्त ये तू खा ले, मुझे तो माँ रात में रोटी देगी, पता नहीं तुझे कुछ मिले ना मिले। उस कुत्ते के पिल्ले ने वो रोटी का टुकड़ा खाया और वो एक जिन में बदल गया। मंगलू को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अगदम वगदम तिगदम गिली गिली तम तम, तुम बहुत ही नेक दिल हो, इसलिए मैं तुम्हारी तीन इच्छाएं पूरी करूंगा। सच में तुम जिन हो? जी मेरे आका, और मैं आपकी तीन इच्छाएं भी पूरी करूंगा। मंगलू सोचने लगा कि वो जिन से क्या मांगे। चाहे सोना मांगो या चांदी या महल, तुम्हारी तीन इच्छा पूरी करूंगा। बोले मेरे आका, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे, एक रानी की तरह, उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। जो हुकुम मेरे आका। और तुरंत ही मंगलू की माँ एक राज सिंहासन में बैठी थी, एक रानी की तरह। ये इच्छा तो पूरी हो गई, अब अपनी दूसरी इच्छा मांगो आका। और मेरी कोई इच्छा नहीं है जिन जी। ऐसे कैसे, कुछ तो होगा जो तुम्हें चाहिए। खुद के लिए नई साइकिल, खिलौने, कुछ भी जो मांगोगे मिलेगा। नहीं जिन जी, मेरे लिए तो मेरी माँ की खुशी ही सब कुछ है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मुझे याद कर लेना। ठीक है। मंगलू अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगा। पर कुछ दिनों बाद, आका कुछ तो होगा जो तुम्हें चाहिए, मुझे बता दो आका, कुछ तो मांगो आका। नहीं जिन जी, मेरे पास सब कुछ है। जिन अक्सर मंगलू को सताता रहा ताकि वो बची हुई दो इच्छाएं मांग ले, पर मंगलू के लिए तो उसकी माँ की खुशी ही सब कुछ थी जो उसने पहले ही मांग ली थी। क्या मंगलू जिन से कभी कुछ मांगेगा, ये तो पता नहीं।
पर जादुई कुत्ते की वजह से आज मंगलू और उसकी माँ के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मुकेश एक गरीब जूते बनाने वाला था, जिसकी शहर में छोटी सी जूते बनाने की दुकान थी। मुकेश अनपढ़ था, उसने बचपन से एक ही काम सीखा था, जूते बनाना। अरे वाह मुकेश, कितनी अच्छी चप्पल बनाई है तुमने, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। क्या दाम है इसका? मालिक, सिर्फ 250 रुपए। 250 बहुत ज्यादा हैं। मैं 200 दे सकता हूँ, देना है तो दे दो। मुकेश की कलाकारी बहुत निपुण थी, पर फिर भी उसके ग्राहक हमेशा उससे मोल भाव करते थे। मुकेश की दुकान के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल था, जिसकी मरम्मत के लिए अक्सर लाइटमैन उस पोल पर चढ़ा करते थे और अक्सर मुकेश उन्हें देखा करता था। कितना मुश्किल होता है ऐसे चढ़ना, काश कुछ ऐसा हो जिससे ये लाइटमैन आसानी से ऊपर चढ़ पाए। एक दिन की बात है, मुकेश किसी ग्राहक का जूता सिल रहा था, तभी उसने देखा कि एक लाइटमैन रस्सी के सहारे पोल पे चढ़ रहा था। मुकेश के पास काम था तो वो उसमें व्यस्त था, लेकिन कुछ ही पलों में मुकेश को एक चीख सुनाई दी और वो लाइटमैन नीचे गिरा हुआ था। मुकेश दौड़ते हुए आया और स्तब्ध रह गया। एम्बुलेंस आई और लाइटमैन को हॉस्पिटल ले गई। मुकेश वापस अपनी दुकान पर गया, पर वो काम में मन नहीं लगा पा रहा था। उसे उस लाइटमैन की शक्ल बार बार याद आ रही थी। हाथ का काम खत्म किया और वो सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। तभी उसका ध्यान मैग्नेट पे गया, जिस पे उसकी कील चिपकी हुई थी, और मुकेश एक नया जूता बनाने लगा। रात हो गई, पर वो अभी भी काम कर रहा था। मुकेश ने इस जूते की सोल में मैग्नेट लगा दिया। देर रात उसका काम खत्म हुआ और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उस रात मुकेश मैग्नेट वाले जूते देखते हुए सो गया। अगले दिन सुबह सुबह मुकेश वो जूते लेकर बिजली विभाग के कंट्रोल रूम पहुंचा। वहां वो एक ऑफिसर के पास गया। जी बोलिए, क्या परेशानी है आपको? सर कोई परेशानी नहीं है, पर मैंने आपकी परेशानी का हल निकाल लिया है। क्या मतलब? सर कल आपका एक लाइटमैन पोल से नीचे गिर गया था, उसे बड़ी चोट आई थी। हाँ, अब वो हॉस्पिटल में है। अब से आपका कोई लाइटमैन पोल से नहीं गिरेगा। ये देखिए, ये मैग्नेट वाले जूते हैं, ये पोल से चिपक जाएंगे, और इन्हें मैंने प्लास्टिक से बनाया है, तो गलती से भी लाइटमैन को झटका नहीं लगेगा। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मुकेश के मैग्नेट वाले जूते एक लाइटमैन ने पहन लिए और वो पोल पे बड़ी आसानी से चढ़ने लगा। सर ये पहनने से रस्सी की भी जरूरत नहीं। मुकेश बहुत खुश था कि उसके बनाए हुए जूते लाइटमैन को पसंद आए। हमारे यहाँ 10 लाइटमैन हैं, कब तक डिलीवरी दे सकते हो? एक हफ्ते में सर। बहुत अच्छे मुकेश। अगला एक हफ्ता मुकेश जूते बनाता रहा। उसने ऑफिसर को जूते दे दिए और ऑफिसर ने उसे एक चेक दिया। इन मैग्नेट वाले जूतों को पहनकर जब लाइटमैन पोल चढ़ रहे थे तो एक जर्नलिस्ट की नजर उस पर गई और जल्दी ही ये मैग्नेट वाले जूते ब्रेकिंग न्यूज बन गए। इसके बाद मुकेश को बहुत सारे ऑर्डर आए, उसने अपना कारखाना बना लिया और लोगों को भी काम पर रख लिया। कुछ महीनों बाद मुकेश को इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर ऐसे मैग्नेट वाले जूते कोई बड़ी कंपनी तक नहीं बना पाई, आपने ये कैसे कर दिया? मैडम मैंने बचपन से अभी तक सिर्फ जूते ही बनाए हैं, शायद इसलिए मैं ये कर पाया। सो ऑडियंस, मुकेश के कहे अनुसार उन्होंने ये मैग्नेट वाले जूते अपने सालों के एक्सपीरियंस से बनाए हैं। लेकिन मुकेश जी ने एक चीज साबित कर दी, कोई भी काम छोटा नहीं होता। किसे पता था
कि एक आम जूता बनाने वाला इनोवेशन अवार्ड जीत सकता है। जरूरत है तो सिर्फ अपने काम के प्रति डेडिकेशन की, जो मुकेश जी में कूट कूट कर भरी है। ये है मिस्टर चड्ढा, जिन्होंने अपनी बेटी माया के लिए एक इम्पोर्टेड दूल्हा ढूंढ लिया है और आज वो उनके घर आने वाला है। सब तैयारियां हो गई ना, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बना लिया है। देखिए कितना सारा स्नैक्स बनाया है, पनीर के पकोड़े, समोसे, जलेबी, लस्सी, लड्डू। बस बस, अब ये सब उन लोगों को पसंद आ जाए। यश अपनी मॉम के साथ मिस्टर चड्ढा के घर आया। दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को ग्रीट किया और फिर मिसेस चड्ढा माया को ले आई। माया की ब्यूटी देखकर यश चारों खाने चित हो गया। उसे माया पहली नजर में ही पसंद आ गई। सभी लोग बातचीत कर रहे थे। बेटा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, लो समोसा जलेबी सब यहाँ के बेस्ट हलवाइयों से मंगवाई है। हलवाई? मैं तो सिर्फ 5-स्टार होटल का खाता हूँ। पता नहीं कौन से तेल में ये सब फ्राई किए होंगे, कितने हाइजीनिक होंगे ये भी पता नहीं। आई एम फाइन, मैं ये सब नहीं खाऊंगा। कोई नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे। कम से कम चाय तो पी लो, माया ने खुद बनाई है। या श्योर। यश और उसकी मॉम ने सिर्फ चाय पी, बाकी कुछ भी नहीं खाया। मुझे माया पसंद है, अगर आपको मैं पसंद हूँ तो अगले महीने ही शादी निपटा लेते हैं। अरे वाह जी वाह, ये हुई ना बात। बेटा हमें भी तुम पसंद हो। माया के पापा ने हाँ तो बोल दी, पर माया को यश कुछ खास पसंद नहीं आया। सब चले जाने के बाद मिस्टर एंड मिसेस चड्ढा बहुत खुश थे। तभी माया उनके पास आई। पापा ये क्या, आपने इतनी जल्दी हाँ क्यों बोल दी? बेटा ऐसे इम्पोर्टेड रिश्ते जल्दी मिलते नहीं, अच्छा हुआ तेरे पापा ने हाँ बोल दी। पर मम्मी तुमने देखा ना वो कैसे है, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, हलवाई एकदम टिपिकल स्टैंडर्ड कॉन्शियस। इम्पोर्टेड है तो ऐसा ही होगा ना, धीरे धीरे ये सारा इम्पोर्टेड वाला एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। वैसे भी तू मेरी बेटी है, तू तो इस उल्लू के पट्टे को सीधा कर ही देगी। माया अपने मम्मी पापा की बातों से मान गई और वो भी शादी के लिए राजी हो गई। कुछ दिनों बाद यश अपनी कार में माया के घर आया। अंकल आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं माया को अपने साथ ले जाऊं, कार सेलेक्ट करने हैं और कुछ शॉपिंग भी करनी है। जी बेटा क्यों नहीं। और माया यश के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। Don't you like the car? अच्छी है, nice. अच्छी होगी ही। It's expensive, 50 लाख, 50 lakhs. Good, good. मैं हर चीज एक्सपेंसिव ही खरीदता हूँ। वो क्या है कि मेरा एक स्टैंडर्ड है और मेरा मानना है कि एक्सपेंसिव चीजें अच्छी होती हैं, इसीलिए तो महंगी होती है। ओके, यश की कोई भी बात माया के पल्ले नहीं पड़ रही थी। माया उसे एक लोकल वेडिंग कार्ड वाले के यहाँ ले गई। यहाँ? हाँ, he is the best card maker. ना, इतनी छोटी सी दुकान है, तुम मेरे साथ चलो। फिर यश माया को एक बड़ी सी दुकान में लेकर गया और यश की पसंद से उन लोगों ने कार्ड का ऑर्डर दे दिया। तभी माया की नजर गोलगप्पे के ठेले पर गई। चलो यश गोलगप्पे खाते हैं। नो नो, दिस इज वेरी अनहाइजीनिक। वो देखो वहाँ एक 5-स्टार होटल है, हम वहाँ कुछ खा सकते हैं। अब माया ने सोच लिया था कि इस इम्पोर्टेड दूल्हे को समझाना ही पड़ेगा। वो यश के साथ होटल में चली गई। माया ने मेन्यू में से सबसे महंगी चीज ऑर्डर की। 1 hot and spicy soup for sir and 1 lemonade for me. यश का सूप आया और जैसे ही यश ने सूप पिया उसके कानों से धुआं निकलने लगा। सूप बहुत तीखा था। Give me water. It's burning. नहीं नहीं यश,
ये तो नॉर्मल वाटर है। वेट, मैं सबसे महंगा पानी मंगवाती हूँ। वेटर, सबसे महंगा पानी लेके आओ जल्दी प्लीज। यश की जुबान जल रही थी, वो वेट नहीं कर सकता था और उसने वही सादा पानी पी लिया। अरे रे रे, ये क्या यश, ये पानी तुम्हारे स्टैंडर्ड के लिए सही नहीं था। अब तुम्हें स्टैंडर्ड की पड़ी है, पानी नहीं पीता तो पता नहीं मेरा क्या होता। एग्जैक्टली यश, मैं भी यही बोल रही हूँ। जरूरी नहीं महंगी चीज ही अच्छी हो, सस्ती चीज भी अच्छी हो सकती है। समझ गया। इस दिन के बाद इम्पोर्टेड दूल्हा बिल्कुल बदल चुका था। अब वो माया के साथ गोलगप्पे भी खाता और मिसेस चड्ढा के समोसे भी। उसे समझ आ गया था कि चीज की वैल्यू सिर्फ पैसे में नहीं होती।